गाजा युद्ध विराम की बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल पहुंच चुके हैं। इस बार एंटनी चाहते हैं कि वो नेतन्याहू को किसी न किसी तरीके से युद्ध विराम के लिए राजी कर ले। लेकिन उससे पहले ही इजराइल के तेल अवीव में एक बहुत बड़ा कांड हो गया है। दरअसल तेल अवीव में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि एक अन्य घायल हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले 19 जुलाई 2024 को यमन के हूती ने तेल अवीव के भीतर एक ड्रोन हमला किया था जो अमेरिकी दूतावास के करीब हुआ था। लेकिन अब इस बम धमाके को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस धमाके के पीछे किसका हाथ है। तो आपको बता दें कि इस मामले की जांच कर रही पुलिस का मानना है कि जो व्यक्ति इस हमले में मारा गया है वो एक फिदायीन था जो ये बम धमाका करने के लिए आया था। दरअसल 18 जुलाई 2024 की रात को यहां पर रात करीब 8 बजे एक ट्रक के पास बड़ा धमाका होता है, जिससे पूरे इसराइल में हड़कंप मच गया था। और इस धमाके को लेकर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कमांडर पेरेज आमिर ने बताया, केंद्र को दर्जनों आपात कॉल मिले हैं जिसमें धमाके के आवाज और लेही स्ट्रीट पर शरीर के चिथड़े बिखरे होने की सूचना मिली है। जब पुलिस और पैरामेडिक्स टीम मौके पर पहुंचे तो उन्हें एक शक विक्षत शव और दीवार पर धमाके के संकेत मिले हैं। मृतक की पहचान 50 वर्षीय गिडेओन पेरी के रूप में हुई है। इसके अलावा इलाके से गुजर रहा एक व्यक्ति भी इस धमाके की चपेट में आ गया है, जिसे मामूली चोटें आई हैं और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि इस धमाके का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ राहगीर खड़े नजर आ रहे हैं और तभी रोड के उस पार एक जोरदार धमाका होता है, जिसके बाद लोग चीखते चिल्लाते हुए भागने लगते हैं और वहां भगदड़ जैसा माहौल बन जाता है। आपको बता दें कि इस धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर तक इसकी गूंज सुनाई दी है। हालांकि इजरायली एजेंसियों का कहना है कि ये बम अपने टारगेट से पहले ही फट गया, जिसमें हमलावर की जान चली गई। हालांकि सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आया है अभी उसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है, जबकि इस धमाके का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें एक आदमी अपने कंधे पर बैग टांग कर आगे बढ़ रहा है, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि यह हमलावर है जो अपनी पीठ पर बम को लेकर जा रहा था।